ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको फिर से किसी नए व्लॉग में। पढ़ाई का मैं आपको सीन बता दूंगी, पढ़ाई यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी है। अप्रैल तक हमारे पास कोई काम नहीं था, अप्रैल मई तक भी नहीं कोई काम था। जून और जुलाई तक मेरे पास घर का रेंट देने के लिए पैसे भी नहीं। 50-60 हज़ार इंडिया के हैं, मतलब 500-600 पाउंड है जो मेरे को अभी तक मिलना है, और वो मेरे को जीरो चांसेस है कि वो मिलेगा। ये था मेरा 6 मंथ का एक्सपीरियंस। हे गाइस, वेलकम अगेन टू रास्ते का सफर। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और ये वीडियो कोई भी घूमने फिरने वाली वीडियो नहीं है जो कि हमारे चैनल पे आती हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ जहाँ कुछ नई जगह है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो है इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और क्योंकि मेरे को बड़े सारे ऐसे बंदों के DM आते हैं, हर दूसरे या तीसरे दिन मेरे को DM आया होता है कि हाँ भाई, हमें UK आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या वहाँ का माहौल है, क्या वहाँ का सिस्टम है, क्या वहाँ पे काम है, क्या वहाँ पे पढ़ाई कैसी है, ये है वो है, सारे मेरे को पूछते रहते हैं, मतलब कि DM आते रहते हैं मेरे को। तो मैंने ये पहले भी सोचा था कि जब मेरे 6 मंथ कंप्लीट होंगे यहाँ पे, तो उसके बाद मैं बनाऊँगा ये वीडियो कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, और क्या क्या सिस्टम रहा है यहाँ पे, क्या क्या मैंने सीखा यहाँ पे, क्या यहाँ पे माहौल है, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो है। और मैं आपको, मतलब कि इसमें कोई फन एक्टिविटी या कुछ नहीं है, हंसी मजाक कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सीरियस इंफॉर्मेटिव और किसी के काम आने वाली वीडियो है, ठीक है, पुराने भी काम आने वाली है, थोड़ी फन एक्टिविटी। हाँ, तो हमारा मेन टॉपिक है आज का कि मेरे 6 मंथ, जो कि 6 मंथ से ऊपर हो गया मेरे को, कैसे रहे यहाँ पे। तो जिन्हें नहीं पता, फिलहाल मैं हूँ UK में, जैसे कि पीछे झंडा लगाया UK का। हाँ, तो फिलहाल मैं हूँ UK में, एंड मैं आज बात करूँगा कि आपको UK आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे काम है या नहीं है, क्या यहाँ पे पढ़ाई कैसी है, क्या आप कर सकते हो क्या नहीं। तो मैं आया था, अब मैं शुरू करता हूँ अपनी स्टोरी। तो मैं आया था UK में, घर से मैं निकला था 20 जनवरी 2024 को, और यहाँ पे मैं पहुँचा था 21 जनवरी 2024 को। और फिर उसके बाद सारी इनरोलमेंट वगैरह हुई कॉलेज में, ये वो सारा कुछ जो होता है वो हुआ, एंड देन उसके बाद मेरी क्लासेस वगैरह शुरू होगी, जो कि मैं जाने लगा फेब की स्टार्टिंग में मैं जाने लगा। तो मेरा कॉलेज होता है ट्यूसडे और थर्सडे को, उसके अलावा नहीं, एंड फ्राइडे को भी होता है, मगर उस दिन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो वो मैक्सिमम हम स्किप कर देते हैं या जो भी सिस्टम है, ठीक है। तो 2 दिन कॉलेज होता है, तो उसके अलावा हम बाकी हम काम कर सकते हैं, जैसे कि होता है कि 20 घंटे हम काम कर सकते हैं, बाकी आप कैश इन हैंड जितना मर्जी कर सकते हो। तो यहाँ पे पढ़ाई का मैं आपको सीन बता दूँगी, पढ़ाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी है, जो कि जो बंदे लेते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट लेते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। एक एक टाइप का मैं आपको बता दूँगी, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉलेज आओ, अटेंडेंस लगाओ, कॉलेज आओ, अटेंडेंस लगाओ। वो भी आजकल कई बंदे नहीं लगाते, अपना कार्ड किसी और को दे देना, वो टैप कर देगा। वहाँ पे ये नहीं होता कि हाँ भाई वो आपका नाम लेंगे और आपको बोलना हाँ मैं प्रेजेंट हूँ, वहाँ पे सिर्फ एक मशीन लगी है, उसके ऊपर आपका कार्ड टैप होगा, ID कार्ड लगा लो जो कुछ भी, वो टैप होगा और आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो वो आप कार्ड किसी को भी दे दो, वो टैप कर देगा, तो आपकी अटेंडेंस घर बैठे ही लग जाएगी। तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं। तो फिर उसके बाद कॉलेज वॉलेज गए हम, जाते रहे, एंड उसके साथ साथ हमने काम ढूंढना भी शुरू किया, बट काम ढूंढा वो नहीं मिला। फिर हम, मतलब कि कोई, मैं आया था जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल तक हमारे पास कोई काम नहीं था, अप्रैल मई तक भी नहीं कोई काम था, मतलब एक वो होता है ना कि पर्टिकुलर काम कोई, कि हाँ वहाँ से इनकम आती रहेगी आपको, आती रहेगी, वो हमारे पास नहीं था। बीच बीच में काम मिलता था, जैसे कि बिल्डर के साथ चले गए, वहाँ जाके काम कर लिया, थोड़े बहुत पैसे वहाँ से आएंगे। बिल्डर के साथ का भी आपको मैं किस्सा बताता हूँ थोड़ी देर बाद, वहाँ पर भी क्या सीन होता है। तो वहाँ से थोड़े पैसे आ गए, थोड़े पैसे कहीं और चले गए, वहाँ से आ गए, मतलब ऐसे बीच बीच में काम मिलता था, तो वहाँ से आए और उसके बाद काम मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली जो आपके पास पैसे हैं वो आपके लगेंगे, ना कि और आएंगे। तो मेरे पास, इवन कि मेरे पास जून और जुलाई तक मेरे पास घर का रेंट देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, आज मैं ये बता रहा हूँ। मैंने घर से पैसे मंगवाए हैं जून तक, फिर उसके बाद जो रेंट रूंट होता है वो सब सारी चीज़ें के लिए मैंने घर से पैसे मंगवाए हैं। मेरे पास इवन की रेंट भी नहीं होता था, सिर्फ मेरे पास ट्रैवल का खर्चा होता था अपना, एंड थोड़ा बहुत जो मैंने कुछ खा लिया बीच में वो, बाकी
मेरे पास रेंट के पैसे होते ही नहीं थे जून तक। एंड मतलब कि यहाँ पे अभी भी ये नहीं है कि मेरे पास, हाँ भाई मैं बहुत कमा रहा हूँ ये है वो है, मतलब कि ये है कि मैं रेंट दे सकता हूँ, आने जाने का खर्चा दे सकता हूँ, एंड थोड़ा बहुत था कि अगर मैंने कुछ क्या बोलते हैं खाना पीना हो बाहर, और बस उसमें लग जाते हैं सारे, बचता अपने पास। अगर तो तुम ये सोच रहे हो ना, जो कि बैचलर्स पे आ रहे हैं उनको मैं खास करके ये चीज़ बता दूं, जो बैचलर्स पे आ रहे हो भाई, अगर तुम्हारे पीछे बैकग्राउंड नहीं है, अगर तुम पीछे से पैसे नहीं मंगा सकते हो, अगर तुम्हारे पास पीछे से बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है कि तुम्हारे घर से पैसे नहीं आ सकते या कुछ भी है, तो भाई प्लीज़ मेरी बात मानो, मत आओ। किसी और कंट्री, ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर लो या कहीं और ट्राई कर लो, बट यूके में मत आओ। बैचलर्स पे तो बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि यहाँ पे भाई तुम्हें काम, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हाँ भाई कि सबके साथ ऐसा ही होता है कि काम उनको ना मिले, बट अगर तुम्हें काम मिल भी जाएगा ना, तो तुम मतलब कि जो पैसे जुड़ेंगे वो तुम यहीं पे लगाते जाओगे, तुम्हारे पास खुद की कोई सेविंग नहीं होगी, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास लाइक तुम पे NI पे भी काम मिल गया, तुम्हें कैश पे भी काम मिल गया, ठीक है, अगर तुम्हें कैश पे काम मिल गया, तो जो तुम्हारे दोनों कामों की टाइमिंग है वो नहीं बैठेगी, और अगर वो टाइमिंग भी बैठ गई, तो कैश इन हैंड का ये सीन होता है कि वहाँ पे तुम अगर तुम काम कर रहे हो, तो जो सामने वाला बंदा है उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो तुम्हारे पैसे रख लेगा और तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ यही हुआ है भाई, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि जो डार्क रियलिटी है यूके की भाई तुम अगर बैचलर्स पे आ रहे हो, तुम्हारी फ़ीस अगर तुम बोलो कि हमें अगले साल की फ़ीस है जो खुद दूंगा, तो भाई वो नहीं हो पाएगा तुमसे, जितना मर्जी ट्राई कर लोगे वो तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ कुछ लोग होते हैं, मैं मानता हूँ कि हाँ भाई अगर किस्मत किस्मत की बात होती है, मेन चीज़ ये भी है, ठीक है, किस्मत किस्मत की बात होती है, कुछ हैं वो भी, बट वो भी ये है कि अगर तुम ना दिन में काम जा रहे हो, ठीक है, रात को भी उसी जगह पे काम जा रहे हो, क्योंकि हाँ मेरा एक दोस्त है वो मतलब कि होटल वगैरह में मकान मिला उसको, एंड वो दिन में भी वही काम करता, रात में भी वही काम करता, बट वहाँ का जो सुपरवाइज़र है वो उसके साथ थोड़ी उसकी सेटिंग है, एंड इवन कि वो भी उसको यही बोलता है कि थोड़े थोड़ा टाइम के बाद हम तुम्हें सिर्फ एक ही टाइम पे देंगे काम, जिसकी वजह से उसको ऑब्वियसली कि उसकी एक ही टाइप की, एक ही साइड की इनकम आएगी, दोनों तरफ काम करेगा अगर, तो दोनों की इनकम तो नहीं आएगी, एक ही साइड की आएगी क्योंकि एक ही शिफ्ट लगी होगी उसकी, ठीक है। तो मतलब कि तुम्हारे पास खुद के यहाँ पर रहने के और घूमने फिरने के एंड खाने पीने के वही पैसे होंगे, उसके अलावा तुम बोलो सेविंग करूँगा मैं, ये करूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो सब नहीं हो सकता, ठीक है, जो कि भाई सच बात है। एंड उसके बाद पढ़ाई का मैंने बता दिया, बहुत इजी है, जो कि होती है यहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड पढ़ाई होती है, ठीक है, वो तुम करोगे असाइनमेंट पे, जहाँ तो तुम खुद बना लो अगर तुम इतने तेज़ हो कि हाँ भाई खुद बना लूँ पढ़ पुढ़ के, ठीक है, ChatGPT तो सबको पता आजकल AI का ज़माना है ब्रो, तो तुम सब कुछ कर सकते हो, एंड अगर तुम खुद नहीं बना सकते तो बड़े सारे पेज होते हैं, तुम्हें खुद ही वो मैसेज वगैरह कर देंगे कि हाँ भाई तुम बाहर रहते हो, ये रहते हो, वो रहते हो, हम आपकी असाइनमेंट बना देंगे और बस, ठीक है, तो वो आपकी असाइनमेंट बना देंगे, 30-40 पाउंड लगते हैं इंडिया के जो बनते हैं 3-4 हज़ार, ठीक है, वो आपकी असाइनमेंट भी बना देंगे, आपको सिर्फ सबमिट करनी है, पास आप ऐसे ऐसे करते करते पास हो जाओगे, ठीक है। तो पढ़ाई बहुत ईजी है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि जो कंप्यूटर कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें थोड़ा मैं कह सकता हूँ टफ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको और भी बड़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो जो बिजनेस मैनेजमेंट मैक्सिमम लोग यही लेते हैं बिजनेस मैनेजमेंट वाला, तो उसमें इजी रहता है, वहाँ पे कोई इतनी वो खज्जल खराबी नहीं होती, आपको सिर्फ असाइनमेंट जमा करवानी है एंड दैट्स इट, काम आपका डन हो गया, ठीक है। तो सेकंड चीज़ ये होगी कि आपको काम भाई जितना मर्जी ढूंढ लो, हमने भी बहुत ढूंढा था भाई, हमको नहीं मिला, एंड एंड में जो चीज़ें काम आई मैं वही बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे आया था ना जनवरी में, फरवरी अप्रैल मार्च अप्रैल मई मई तक अपने पास कोई काम नहीं था, देन उसके बाद हमें बीच बीच में काम मिलता था, जैसे बिल्डर के पास जाना, वहाँ पे काम किया, 1 हफ्ते काम किया, 2 हफ्ते काम किया, एंड उसने पैसे नहीं देने भाई। तुम यहाँ पे किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते बिल्डर की, हाँ भाई तुम ये तुम्हारे पैसे मार लिया उसने, ये कर लिया, वो कर लिया, ना तुम पुलिस के पास जा सकते हो ना कुछ, ठीक है, उसको फ़ोन ही कर सकते हो एक, तो वो फ़ोन तो उठाएगा नहीं, ठीक है, वहाँ से पैसे मरे मेरे, वो था कोई मेरा 30-40 हज़ार वहाँ से मरा मेरा। एंड फिर मैंने कंस्ट्रक्शन पे भी काम किया है, एंड
वहाँ वहाँ पे भी कुछ सीन हो गया था और वहाँ पे भी पैसे मेरे मरे हैं। तो भाई टोटल मेरा कोई 40-50 60 हज़ार को है, 50-60 हज़ार इंडिया के हैं, मतलब 500-600 पाउंड है जो मेरे को अभी तक मिलना है, और वो मेरे को ज़ीरो चांसेस है कि वो मिलेगा ही नहीं, मेरे को पता है बिल्कुल भी नहीं मिल सकता वो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैंने थोड़ा अपने मतलब कि जहाँ पे जो बंदे रहते हैं उनसे थोड़ी वो रेफरेंस रूफरेंस लगा लुगू के, मेन आपको यहाँ पे काम है, काम मिलेगा आपको सिर्फ रेफरेंस पे, जितनी रेफरेंस हो सकती है ना आपकी उतने वहाँ यहाँ पे लिंक बनाओ जितने हो सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा लिंक बनाओ, वही आपके काम आएंगे, वही आपको काम दिलवा सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, उनकी रेफरेंस अगर उनकी अगर है बातचीत वहाँ पे तो, ठीक है। फिर उसके बाद रेफरेंसेस के थ्रू हम मैं लगा किसी एजेंसी है एक, उसके थ्रू मैं लगा हूँ, मैं लगा था, अभी तो मैं नहीं करता उनके पास काम, पहले करता था, तो मैं लगा था DPD में, वेयर हाउस के अंदर, एज जो पार्सल सॉर्ट वगैरह करते हैं ना, अलग अलग करते हैं, वहाँ पे लगा था मैं, उसकी शिफ्टें आती थी मेरे को 2 या 3 हफ्ते की, 2 या 3 2 या 3 2 या 3, तो वो मैं करता रहा। फिर थोड़ा बहुत पैसे वहाँ से जोड़े मैंने, थोड़े जोड़ते 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 जोड़े, एंड फिर उसके बाद हमें मतलब कि बहुत सारे बोलते थे कि वो बनवा लो, सिक्योरिटी का बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर मैंने सोचा कि चलो सिक्योरिटी का बनवाते हैं, देन मैंने सिक्योरिटी का बनवाया अभी। एंड वहाँ पे भी आपको रेफरेंस चाहिए भाई, अगर आप सिक्योरिटी का कार्ड बनवा लोगे, बहुत लोगों के पास है सिक्योरिटी का कार्ड, बट उनके पास कोई एजेंसी नहीं है, कोई काम नहीं है, एजेंसी उनको रजिस्टर नहीं कर रही है, वहाँ पे भी भाई रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन चीज़ है भाई, तुम्हारी रेफरेंस होनी चाहिए यहाँ पे, अगर तुम्हारी रेफरेंस नहीं है तो तुम भाई यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आपको ना ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि अगर देखो अगर किसी जगह पर जाओगे ना आप, वहाँ पर अगर वो बोलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर काम है, अगर वो आपको रख लेगा, रख लिया, अगर किसी और बंदे ने वहाँ पर वो कर लिया ना, पता कर लिया कि हाँ भाई काम है यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि हाँ भाई यहाँ पे काम है, तो वो क्या करेंगे कि उसकी रेफरेंस का जो बंदा होगा उसको लगा देंगे, ना कि आपको, वो तो आप तो उसके लिए वही हो ना कि नहीं हो, जो पुराना बंदा है उसका कोई खास बंदा होगा उसी को भेज रहा होगा वो, तभी उस पर भरोसा करके जो रेफरेंस वाला बंदा है वो लग जाएगा वहाँ पर, आपकी जो बातचीत हुई है वो सारी हट जाएगी, ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पर ये होती है। एंड उसके बाद मैं मई तक हम ऐसे ही रहे, DPD में काम किया मैंने, मई जून जून जुलाई तक मैंने DPD में काम किया, देन उसके बाद मेरा सिक्योरिटी का लाइसेंस आ गया, उस पर भी सिक्योरिटी के लाइसेंस पे भी हमारे लगते हैं कोई 500 पाउंड लगेगा आपका, ठीक है, क्लासेस लगती हैं, देन एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद उसमें अगर आप पास हो जाओगे फिर पोस्ट ऑफिस में जाके अप्लाई होता है वो, फिर जाके आपका लाइसेंस आता है, कोई एक एक डेढ़ एक महीना रखो तब तक आपका लाइसेंस आता है। तब तक मैं वहाँ पे काम कर रहा था, जैसे फिर हमारा लाइसेंस आ गया, हमारे यहाँ भैया रहते थे वो सिक्योरिटी में काम करते थे पहले, ठीक है, अब तो उनका आगे मतलब कुछ और काम है, पहले वो सिक्योरिटी में काम करते थे, जो उनकी कंपनी थी उन्होंने अपनी रेफरेंस से मेरे को वहाँ पर डाल दिया, मतलब रख लिया, और कंपनी ने मेरे को रजिस्टर कर लिया, देन अभी मैं कर रहा हूँ भाई सिक्योरिटी का, ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब ठीक ठाक चल रहा है, ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ, ठीक ठाक ही चल रहा है कि मैं रेंट दे सकूँ, खाने का निकाल सकूँ, और थोड़ा बहुत जो अपने खर्चे होते हैं कि हाँ भाई ये भी ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, वही चल रहा है। और मेन बात ये है कि तुम बोलोगे कि मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूँ कि हाँ भाई मैं अपनी अगले साल की फीस दे सकूँ, वो तो ना ही हो सकती है भाई, नहीं कर सकते हो आप, नहीं, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, सिर्फ आपके पास जो कि भाई बैचलर्स पे आए हैं वो मैक्सिमम, अब उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, जहाँ तो वो घर चल जाएँ, जहाँ तो वो घर चल जाएँ, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया जो कि आजकल मैक्सिमम बंदे कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है कि वो यहाँ पे इलीगल हो जाएँ, वो भी मैक्सिमम लोग होते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो 100 में से 80 या 70% लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, ठीक है, एंड वो रह ही रहे हैं, मतलब एक टाइप का टाइम निकाल रहे हैं वो यहाँ पे, ठीक है, काम उनके पास भी बीच में होता है नहीं होता, बीच में होता है नहीं होता है, ऐसे ऐसे बिल्डर के साथ आपको पता ही है, मैंने बता दिया कि पैसे पूसे बनने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, एंड बाकी अभी मैं सिक्योरिटी का कर रहा हूँ, तो मतलब कि यही है कि मेरा खाने पीने का रहने का ये वो यही निकल रहा है, बाकी मैं कहूँ कि हाँ भाई मैं अपनी फ़ीस खुद दूंगा अगले साल की, ये करूँगा वो करूँगा, वो सब नहीं हो सकता, जो कि मैंने
यहाँ पे रह के 6-7 महीने हो गया मेरे को, मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई यहाँ पे पढ़ाई जो पूछते हो आप लोग की कैसी है, वो इजी है, ठीक है भाई। दूसरी चीज़ आ गई आपको कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो भाई रेफरेंसेस अगर आपके यहाँ पे हैं तो मिल भी जाएगा, नहीं है तो फिर वो आपकी किस्मत पे है। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ मिल ही जाएगा, फिर वो आपकी किस्मत पे है, ठीक है। थर्ड चीज़ आ गई कि हाँ कि आप ये कि जो बैचलर्स पे आएंगे, मैं तो भाई यही कहूँगा उनको कि जो बैचलर्स पे आ रहे हो भाई मत आओ, मत आओ। मास्टर्स वाले फिर भी देखो, क्योंकि मास्टर्स का ये सीन होता है कि 1 साल की पढ़ाई होती है उनकी, ठीक है, पीछे से फीस सारी क्लियर होती है 1 साल की, एंड देन उसके बाद आपको मिलेगा 2 साल का वर्क परमिट, उस पर आप कुछ ना कुछ तो कमाओगे ही भाई, आपके पास टेंशन तो नहीं ना होगी सिर में कि हाँ भाई मेरे को अगले साल की फीस जोड़नी है, आराम से आप कमाओगे कुछ ना कुछ, ठीक है। ये चीज़ होगी। एंड बैचलर्स वाले प्लीज़ ब्रो मेरी बात मान लो, मत आना, ठीक है। एंड उसके बाद है कि भाई यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आई डोंट नो कि जो इंश्योरेंस होता है यहाँ का वो कंपलसरी होता है या नहीं होता, अगर तो वो कंपलसरी नहीं होता तो भाई मत करवाना, ठीक है। तो अगर वो कंपलसरी है तो फिर तो कराना ही पड़ता है, अगर वो कंपलसरी नहीं है तो भाई मत करवाना, क्योंकि भाई यहाँ का NHS, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, ये वो हॉस्पिटल बेकार है भाई, जीरो रद्दी, जिसको कहते हैं ना रद्दी, वो है। इंसिडेंट मैं आपको एक शेयर करता हूँ, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे नहीं रहता, वो कहीं और रहता है, मतलब उस जिमिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका, तो वो ना डेडलिफ्ट लगा रहा था, वो उसकी यहाँ से ये जो कला, ये जो चीज़ होती है ये शायद खिसक गई थी या पता नहीं क्या हुआ था, तो बहुत ज़्यादा दर्द थी उसको। एंड वो गया NHS रजिस्टर था उसका, तो वो वहाँ पे गया, एंड उसको भाई वहाँ पे जाके वेट करना पड़ा, कोई 5 घंटे वहाँ पे वो बैठे रहा, उसको सिर्फ यही था, उसको सिर्फ यही बोला गया कि आप वेट करो वेट करो वेट करो, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड 5 घंटे उसने वेट किया, 5 घंटे के बाद उसको जब गया वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसको एंड में दवाई क्या दी, पैरासीटामोल। भाई इसका क्या लिंक है उससे, पैरासीटामोल इज, बच्चे बच्चे को पता है कि वो बुखार के लिए दवाई होती है भाई, बच्चे बच्चे को पता है ये चीज़, ठीक है। एंड इस चीज़ से क्या लिंक है भाई पैरासीटामोल का, मेरे को ये बता दो बस। ये दवाई दे दी, ठीक है, एंड उसको कहा कि ये दवाई खाओ दिन में 3 या 4 बार, आपकी ये दर्द ठीक हो जाएगी। तो भाई उसने बोला कि भाई ये तो बुखार वाली दवाई है, कि ये तो मेरे को भी पता है। एंड उसकी फिर उसको जब ये ज़्यादा होने लगा भाई, उसने काम भी करना है, वो भी करता था, मतलब वेरा उसमें ही पार्सल वगैरह का काम, तो पार्सल भाई हैवी होते हैं, अगर तुम उठाओगे तो उसको दर्द होती थी, यहाँ पे काम पे भी नहीं जा पा रहा था वो। एंड उसने फिर उसने बोला कि भाई मेरे को एक और अपॉइंटमेंट चाहिए, उसने अपॉइंटमेंट बुक की, दूसरी अपॉइंटमेंट उसकी बुक ना हो। जब हुई फिर से वो डॉक्टर के पास गया, भाई उसको सिर्फ पैरासीटामोल ही दी गई, नथिंग एल्स। भाई इनके पास सारी सारी जो बीमारियां हैं उनका इलाज है इनके पास पैरासीटामोल, नथिंग एल्स। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कंपलसरी नहीं है तो मत करवाओ, अगर कंपलसरी है तो फिर तो करवाना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो भाई मत करवाओ, प्लीज़ मत ही करवाओ, ठीक है। एंड भाई ये ही है कि मेरे अभी 6 मंथ का एक्सपीरियंस, मैं यही बताऊंगा कि भाई जो चीज़ें मैंने देखी कि तुम्हें ना ये है कि अगर तुम यहाँ बाहर किसी भी कंट्री में चल जाओगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा स्पेसिफिकली UK में, अगर किसी भी कंट्री में चल जाओगे तुम्हें ये हो जाएगा कि तुम्हें काम की वैल्यू पता चल जाएगी, कि हाँ भाई कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जैसे इंडिया में हम करते हैं ना कि हाँ भाई मैं ये काम नहीं करूँगा वो काम नहीं करूँगा, भाई तुम वहाँ यहाँ पे वो काम भी करोगे, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना हाँ भाई ये मैं नहीं कर सकता ये काम कोई मेरे मेरे लायक है मैं थोड़ी करूँगा, ये यहाँ पे तुम भाई वो काम भी करोगे, एंड तुम्हें तुम फिर किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते भाई कि हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ मैं नहीं कर सकता ये वो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड भाई जितना तुम्हारे घर वाले तुम्हें सपोर्ट करेंगे ना, ठीक है, तुम बाहर की जर्नी में जितना तुम्हारे घर वाले सपोर्ट करेंगे ना, भाई लिख के ले लो कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं, चाहे तुम्हारे जितने भी खास रिश्तेदार हों कुछ भी हो जो भी हो, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, जहाँ तुम्हारे घर वाले दादू दादी बहन भाई जो भी हैं भाई वही कर सकते हैं,
तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि जो बैचलर्स पे हैं वो तो ना आए, मास्टर्स वाले फिर है कि हाँ भाई अपने अपने लायक वो निकाल लेंगे टाइम टाइम पास के लिए, ठीक है, 1 साल में स्टार्टिंग में तो उनको भी मतलब कि हाँ, जो यहाँ पे आ रहा है, एक और चीज़ जो यहाँ पे आ रहा है, अगर तुम्हारे फैमिली सबके लिए है ये, जो तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड इतना होना चाहिए कि अगर तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुम्हारे पीछे बैकअप में 5 6 7 लाख तो होना चाहिए, कम से कम 6 7 लाख तो होना चाहिए बैकअप में, कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा काम तो आते ही काम आपको कभी नहीं मिल सकता, ठीक है, जब आप वहाँ पे जाओगे काम आपको आते ही नहीं मिलेगा, एंड फिर उसके बाद जब तुम्हारा रेंट आएगा, ये आएंगे वो है, ग्रॉसरी ये वो ट्रैवल का ये वो सारा कुछ होगा, तो तुम कहाँ से दोगे भाई? ऑब्वियसली तुम्हारे पीछे जो पड़ा है अमाउंट, तुम्हारी जो फैमिली ने रखा है वही काम आएगा ना, तो इसीलिए 7 से 8 लाख तुम बैकअप में रख के चलो, एंड देन उसके बाद आने का सोचो, अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं है तो भाई मत आओ। मैं तो सबको यही कहूँगा कि भाई यूके में मत आओ, बाकी जहाँ मर्जी चले जाओ यूके में मत आओ भाई, ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर लो, जैसे ना तैसे करके चले जाओ वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ये वो यूरोप वाली साइड चले जाओ, बट भाई यूके नेवर एवर ट्राई टू कम हियर प्लीज़ भाई। जो मेरे को डीएम करते हैं मैं तो भाई सबको सब सीधा उनको साफ यही बोलता हूँ कि भाई मत आओ, डोंट इवन प्लान टू कम हियर ब्रो, मत ही आओ। तुम्हें खुद खुद जब तुम ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे ना, तुम्हें ये लगता होगा ना कि हाँ भाई मैं यहाँ पे ऐश कर रहा हूँ, जो कि हैं भाई मेरे क्या बोलते हैं फॉलोअर वगैरह, वो यही वही चीज़ बोलते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ पे ऐश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तेरा लाइफ स्टाइल ऐसा है ये वो, भाई कैसे कैसे मैं जी रहा हूँ, कैसे कैसे मेरे साथ वाले जी रहे हैं, वो मेरे को पता है और उनको पता है और मेरे घर वालों को पता है कि क्या ही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड बाहर आके तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ भाई दुनिया कैसे चलती है, पैसे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्या वैल्यू होती है पैसे की, पैसे के बिना तुम क्या हो क्या नहीं। तो भाई यही था मेन मोटिव वीडियो बनाने का कि हाँ भाई मैंने सबको यही अवेयर करना था कि भाई यूके क्या कंट्री है, कैसी है क्या नहीं, तो भाई यही था कि भाई यूके में मत आओ, फिर से मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि मत आओ, एंड अगर फिर भी तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हो भाई, वेलकम ही है सबका। एंड बाकी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है और जहाँ फिर आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि भाई मेरे को ऐसे बड़े सारे डीएम आते हैं कि भाई हम ये हम वो हमें ये बता दो वो बता दो, तो अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भाई मेरे को डीएम कर दो, मैं उस पर पूरी डिटेल में हर एक चीज़ उसकी पता करके खुद भी पढ़ के आपको मैं पूरी चीज़ें बता दूंगा, एंड खुद का जो एक्सपीरियंस वो भी बता दूंगा, एंड बाकी फ़िलहाल तो ठीक चल रहा है मेरा कि मैं खुद के खर्चे निकाल सकता हूँ, यही चल रहा है, तो यही था मेरा 6 मंथ का एक्सपीरियंस, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको फिर से किसी नए व्लॉग में, तो तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को कर देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाकी अगर किसी भी टॉपिक किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट कर देना, डीएम कर देना, आपको पता ही मेरा इंस्टाग्राम या स्नैपचैट किसी पे भी मेरे को डीएम कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, आपके सारे डाउट, अगर किसी को इस वीडियो से कुछ डाउट हो तो मेरे को बता देना, मैं कमेंट में बता देना, मैं उसका डाउट भी क्लियर कर दूंगा, एवरी थिंग आई विल ट्राई टू डू इट फॉर यू गाइस, ठीक है, और बाकी कमेंट कमेंट करके बता देना कैसा था कैसा नहीं, एंड कुछ भी पूछना हो तो भाई पूछ सकते हो, मैं पक्का किसी के भी वो नहीं करता, मैं डीएम में सबके देखता हूँ भाई क्या कर रहे हो आप क्या नहीं, एंड सबके रिप्लाई देता हूँ, ये नहीं होगी भाई मेरे को बहुत सारे डीएम आते हैं मगर बीच बीच में 2 दिन के बाद एक किसी ना किसी का तो आ ही जाता है, एंड तो भाई यही था मेरा एक ब्लॉग जो कि मैंने आपको बताना था कि कैसा कैसा क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, सो मिलते हैं आपको फिर से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।